बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी ने राजद नेताओं पर तंज कसा है। सुशील कुमार मोदी ने कहा कि राजद के 15 साल के राज में दलितों के सामूहिक नरसंहार, फिरौती के लिए 17,000 लोगों का अपहरण और पंचायत से संसद तक के लिए हुए कुल 9 चुनाव में 641 हत्याएं हुई। उस समय उन्हें गांधी जी के सिद्धांत की याद नहीं आई, अब वे गांधी को याद कर रहे हैं। इसके आगे उन्होंने कहा कि लालू राबड़ी राज में गांधी ही नहीं, जेपी लोहिया, कर्पूरी ठाकुर तक अनेक महापुरुषों के आदर्शों को रौंद कर संपत्ति बनाई गई, वंशवादी राजनीति को मजबूत किया गया। जिनके मन में गांधी जी की प्रतिमा के सामने धरना देने का विचार आ रहा है, वे सत्ता में रहते हुए गांधी को बहुत पहले भूल चुके हैं। गांधीवाद से उन्हें यदि सचमुच कोई लगाव होता तो माओ लेनिन के हिंसक सिद्धांतों में भरोसा रखने वाले वाम दलों से गठबंधन नहीं करते। वहीं सुशील मोदी ने अगले ट्वीट में कहा कि लालू प्रसाद ने नोटबंदी और जीएसटी का विरोध किया, लेकिन संसदीय चुनाव में गरीबों ने उन्हें खारिज कर दिया। उनकी पार्टी ने वोट बैंक की राजनीति के चलते नागरिकता कानून के खिलाफ भ्रम फैलाने वालों का भी साथ दिया। इसके बावजूद सीमांचल में उन्हें निराशा मिली। अब राजद, कांग्रेस और वाम दल कृषि कानून पर भ्रम फैला रहे हैं। उनका झूठ फिर बेनकाब होगा।